Hey guys, today in this video I will talk about Paradox. Paradox आज हसल 2.0 में अपने रैपिंग से इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि Paradox को आज किसी भी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। Paradox का सॉन्ग जादूगर ने लोगों के दिलों पे ऐसा जादू किया है कि बादशाह हो या किंग, सभी लोग इनके गाने को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बादशाह ने तो Paradox को ये तक बोल दिया था कि तू दिखता 18 साल का है लेकिन तेरी सोच 24 साल के लड़के की जैसी है। ओके गाइस, विदाउट वेस्टिंग यूर टाइम सो लेट्स टॉक अबाउट बायोग्राफी ऑफ Paradox। Paradox का रियल नेम तनिष्क सिंह है। इनका जन्म सन 2003 को नाजफगढ़ दिल्ली में हुआ और दिल्ली से ही Paradox ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। हसल 2.0 में ऑडिशन देने से पहले Paradox अपने YouTube चैनल पे रैप सॉन्ग्स अपलोड करते थे। Paradox ने गिटार से अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत की थी। बचपन से ही Paradox को गिटार बजाना पसंद था और वो उसी समय से गिटार बजाना सीख गए थे। Paradox ने अपने पैशन यानी कि अपने म्यूजिक को करियर बनाने के बारे में तब सोचा जब वो रोहन सरीफ पास 1 मिनट रैप कंपटीशन में हिस्सा लिए थे। देन Paradox को रियलाइज हुआ कि रैपिंग और देसी हिप हॉप में ही उनका करियर है। उसके बाद से Paradox अपने YouTube चैनल पे रैप सॉन्ग्स अपलोड करने लगे, लेकिन YouTube पर Paradox का एक भी सॉन्ग नहीं चला, जिसके बाद Paradox ने हसल 2.0 में अपना ऑडिशन दिया और सिलेक्ट होने के बाद हिट हिट सॉन्ग्स दिए लाइक जादूगर, ब्यूटी हो गई, गैंग वाले मुंडे और रिहाई। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि Paradox साइफर को भी ज्वाइन कर चुके हैं और इंटरनेशनली नेपाली हिप हॉप म्यूजिशियंस के साथ भी काम कर चुके हैं। Paradox के इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहले करीब 10,000 के आसपास फॉलोअर्स थे, लेकिन जब से इनके रैप सॉन्ग्स वायरल हुए हैं तब से इनके फॉलोअर्स की संख्या 5 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। अगर एजुकेशन की बात करें तो अभी फ़िलहाल में ही Paradox ने हाई स्कूल पास की है। तो ये थी दोस्तों Paradox की बायोग्राफी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। Paradox से पहले मैंने सृष्टि तावड़े और MC स्क्वायर के ऊपर भी वीडियो बनाया है। अगर आप लोग चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो। इसी तरह की अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।